अस्सलाम वालेकुम, क्या चल रही है? आज मेडिकल स्टोर की तरफ जा रहे हैं। छोटा भाई लकीदार बीमार पड़ा हुआ है यार, पता नहीं मैं लेट डेंगू क्या हुआ है। सारे के सारे बीमार हैं, किसी को बुखार है, किसी को क्या है, पहले ही बीमार था दूसरे बीमार हो गए। और नींदें आ रही तो 24 घंटे सो रहे हैं, कोई सीन समझ नहीं आ रहा। मुझे पीछे खड़ा हुआ मेरे इधर देखिए, एक खड़े हुए ये मेडिकल स्टोर की तरफ जा रहे हैं, नीचे मेडिकल सेंटर पर है, तो वहाँ जाके मिलते हैं आपसे, देखते हैं क्या दिक्कत वगैरह क्या है, नहीं क्या दवाइयाँ मिलती हैं। मैं तो कह रहा था भाई ये कि वही एंटीबायोटिक देंगे जिससे एक मसला होता है, काफ़ी खून वगैरह खुश्क हो जाता है, बहुत ही हार्ड होती हैं। लेकिन ये कभी ना बोला भाई ले जाओ इनको, चेक करो क्या बीमारी है, क्या सीन है। बहरहाल हमारा पैनल चलते हैं, कोई सीन नहीं, फिर वापसी हमें एक फ्लैट वगैरह विजिट करवानी है, और ये कि बारिश वगैरह का सीन भी है, देखते हैं। गिरी है जी अपर गिरी, बहुत ही ऊपर है ये, यहाँ से अपर गिदरी शुरू हो जाती है, इसके पीछे लोअर गिदरी है। और ये वाटर प्लांट है जी, ये देखिए जी वाटर प्लांट, यहीं से फिर ये कि मेडिकल सेंटर की तरफ रास्ता पड़ता है, ईजी रास्ता है। सीधे आप पे जाएँ तो फिर ये है कि उस तरफ हमें वहाँ मिल जाए सोते एम्बेसी मिल जाती है, लेकिन ये है कि हम सीधे ही जाएँगे सीधे की तरफ, ये है कि तरतीब हमारी बनती है। खैबान जबल है जी, सारा पहाड़ के ऊपर बना हुआ है सारा। और ये DHA फेज 5 में तकरीबन कुछ तक शुमार होता है, DHA फेज 4 में हाफ ऑफ सीन चल रहा है तकरीबन, पार्किंग भी है, और ये है कि बहुत ही बेहतरीन सीन है इस तरफ का। बैंगलोर वगैरह बहुत ही बड़े हैं इस तरफ, प्राइम लोकेशन है जी। तो ब्रदर एंड देयर ब्रदर यहाँ पर आ चुके हैं हम। DHA कौन सा है भाई? DHA फेज 6 से टच है मेरे ख्याल से ये, और DHA फेज 5 से भी टच है। इस तरफ हमारे पास आ जाता है मेडिकल सेंटर डिफेंस का, DHA मेडिकल सेंटर जी, ये सारा मेडिकल सेंटर है, ये सीन है जी। पार्किंग करते हैं भाई यहाँ पर और देखते हैं भाई। आपसे आगे पार्किंग करते हैं भाई, मैं बोला थोड़ी सी हवा लगवा लीजिए। दवाइयाँ लेनी है जी, पट्टी भी करवा ली, पैर पे कोई जख्म वगैरह था, पूछ रहा था शुगर वगैरह तो नहीं है, मुझे लग तो नहीं रहा सिम्टम्स वगैरह, लेकिन अगली बार चेक करवा लेंगे, कुछ भी हो सकता है कराची में। और ये भाई बैठे हुए, इन्होंने भी दवाई ले ली, सारे टेबलेट्स वगैरह दे, मैं इस तरह खाता नहीं हूँ, कुछ तो बहुत नुकसान होते हैं उसके। मैं बोलो कोई क्रीम वगैरह देंगे, लेकिन पट्टी कर दी उसने जख्म वगैरह को, पैर पे जख्म है 2-3 महीने से चल रहा है, चलते जा रहा है, इस वजह से मैं पार्क भी नहीं जा सकता, वरना फिर पार्क ये पहले जाता था रोज़ाना डेली, 2 साल से रूटीन थी पार्क में मेरी, ये कि वॉकिंग वगैरह रनिंग वगैरह की, वेट वगैरह फिलहाल ये कि हल्का फुल्का बढ़ तो रहा है, लेकिन ये ज़्यादा नहीं बढ़ रहा, तो इस वजह से ये कि छोड़ी हुई पार्क कंटिन्यू करनी पड़ेगी, क्योंकि बहुत फ़ायदे हैं। सुबह उठ तो जाता हूँ मैं, पार्क वगैरह नहीं जाता, बस पापड़ भी खिला रहा है भाई, भाईचारा कर रहे हैं। क्या वजह है, कुछ चीज़ लेनी तो नहीं है? गाड़ी कौन सा खराब है? गार्ड देख रहे, गार्ड को देखो, कार को देख, क्या करेंगे, जाने वाला है वहीं के हैं आप? अच्छा गाजीवा, अच्छा गार्ड हमारे मिल गए उधर DHA के, तो ये चलते हैं गिदरी चलते हैं, फिर आपसे भाई को ये कि एक दो पे बुखार करते तो चलाते हैं, देखते हैं कितने बर्गर का सीन बन रहा है यार। मैं बोल रहा हूँ बर्गर खाएं, बिल वगैरह पे हो गए, कुछ पैसे बच गए, खर्चा पानी वरना जेब खाली हो गई, तो ये देखते हैं बर्गर कितने का है, एक बर्गर आधा आधा करके खाते हैं, टेस्ट आ जाएगा फिर, टेस्ट पे दुनिया कायम है। गिजरी का ऑर्डर कैंसिल करके इधर आ चुके हैं, बल्कि डिफेंस ऑर्डर कैंसिल करके गिजरी की तरफ आ चुके हैं, इधर बर्गर वगैरह रेट पूछते हैं, उधर 100 रुपये का, इधर पूछते हैं देखते हैं खाते हैं भाई बर्गर वगैरह। आ चुके हैं जी, शायद इनका कुछ बड़ा है उधर से, लेकिन चिप इधर नहीं है भाई, डिसएडवान्टेज है, उधर चिप्स आप इधर। तो भाई बर्गर खा लिया भाई, मज़े आ गए, और ये कि पेट भर गया, कुछ हैवी बर्गर था, कोल्ड ड्रिंक वगैरह पी ली, ठंडक पड़ गई, कलेजे भी ठंडा हो गया, दिल गुर्दे भी ठंडा हो गया, मौसम भी ठंडा है, किसी ठंडेपन के तरफ वापस चलते हैं, बाद में मिलेंगे। ठीक भाइयों, क्या हाल चाल है? अभी बर्गर वाली दुकान में आपको नज़र आ रहा हूँ, तो आप सोच रहे हो क्यों नज़र आ रहा हूँ, इस वजह से नज़र आ रहा हूँ, आईफोन जो मैंने लिया था ना, डिस्कस वगैरह मैंने किया था आपसे, 4 सेल जो था बिक चुका है, और ये कि मलिक शहजाद भाई ने लिया, मलिक शहजाद भाई ये देखें भैया, मेरे शहजाद भाई हैं, और ये इन्होंने आईफोन लिया है, और बड़े खुश हैं ये बर्गर खाने आए हुए हैं, अदा जी मैनुअल हैं, तो ये सीन है, फिर इसी खुशी में फिर ये बर्गर वगैरह खाए जा रहे हैं, कोल्ड ड्रिंक वगैरह पी जा रही है,
उन्होंने लिया है, हमने बेचा है। मेरा भी शौक पूरा हो गया, मैंने शौक के लिए लिया था, वरना ये प्रोसेस वगैरह आपको तो होता रहता है, नहीं होता और ये सेलेक्ट कर लेंगे जो भी चाहिए, क्योंकि ये सीन होता रहता है। फिर बर्गर खा के आपसे मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम, छापा पड़ गया आपका, क्या हाल है जी? इंतज़ार कर लिया था, आप ब्लॉग बन रहे हैं, ब्लॉग में शामिल हो रहे हैं, ऐसा आएंगे आएंगे ब्लॉग में। अफसद भाई आए हुए हैं, क्यों आए हुए हैं? पीसी लेने आए हुए हैं। ये पीसी का क्या क्या भाई, ये क्या क्या हुआ? चलो पीसी को देखते हैं। और ये है कि असद भाई पीसी परचेस करने आए हुए हैं, गेमिंग करेंगे, और ये बुरे ब्लॉग में मुझे नहीं लें। आप तुम्हें क्या हाल चाल है? आज मैं तो रुपये जा रहा हूँ मस्ती टेस्ट है ना, लेट हो गया हूँ, 10 मिनट रहते, 10 मिनट मुझे पहुँचना है। बाइक का कवर वगैरह निकालते हैं, पहुँचते हैं वापसी में, रिपोर्ट देता हूँ क्या हुआ क्या नहीं, तैयारी वगैरह तो खास नहीं है। एग्ज़ाम वगैरह दे दिए, और ये एक सरप्राइज आपको देना है यार, ये देखिए बड़े मुश्किल से हाथ में आए हैं, अचानक आ गया, वरना हाथ में नहीं आने वाले थे ये। तो ये कि हम दोनों ने साथ मिलकर ही कुछ ना कुछ ये कि कारनामे सर अंजाम दिए। क्या कहते हैं, सही सही कह रहा हूँ, कारनामे तो नहीं सर अंजाम, 70 out of 70 तो आ जाएंगे ना, आ जाएं बस 59 आ जाएंगे, एक कद कट जाएगा ना, एक कद कट जाए 70 आ जाएं बस, बहुत ज़्यादा 70 में 75 आ गए तो फिर 75 आ गए तो बस तो पक्का है, फिर मेरिट से ऊपर चल जाएं। तो भाई घर की तरफ रवाना हो रहे हैं, दानियाल भैया वाला जिसको मैंने दिखाया अपने ये के स्कूल के फ्रेंड थे मैट्रिक के, और ये कि टेस्ट वगैरह दे दिया। टेस्ट के बारे में अगर मैं कहूँ तो टेस्ट एवरेज से ऊपर था डीएचए की यूनिवर्सिटी का, तो ये कि मुश्किल से ये कि अटैम्प किया हमने, फीस वगैरह भी काफ़ी हाई है यूनिवर्सिटी की, आप चेक कर सकते हैं सुफा यूनिवर्सिटी को। और अगर आप इंजॉय वगैरह के लिए आ रहे हैं तो ये है कि ये सुफा यूनिवर्सिटी आप एक रिकमेंड हम नहीं करते, क्योंकि इसका जो स्ट्रक्चर है ना वो हॉस्पिटल की तरह है, बिल्कुल सिंपल नॉर्मल है। और अगर पढ़ने वगैरह आ रहे हैं तो इधर टीचर्स बड़े अच्छे हैं, मजीद आपको डिस्कस करते रहेंगे, अगर ये सिलेक्शन हमारा हो जाता है इंशाल्लाह हो जाएगा, जो कि वीडियो मजीद आपको बताएँगे। आज मज़े की बात है, मुझे रास्ता मिल गया, पिछली बार रास्ता मुझे नहीं मिला था, बारिश में आया था ना मैं एडमिशन फॉर्म लेने, तो ये हुआ था कि मैं वापस निकला, घूमते 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 तकरीबन 25 मिनट बाद दोबारा सुफा यूनिवर्सिटी में वापस आ गया, ये सीख हुआ था मेरे साथ। आज ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट था, तो ये कि इंजॉय भी किया, अब ये कि मेरिट पे कोई आज रिजल्ट तैयारी तो नहीं की हुई थी, इसकी तैयारी नहीं होनी चाहिए, कॉन्सेप्ट बेस्ड होता है सारा, ये सीन होता है भाई। 1 to 5 चल रहे हैं, मज़ा नहीं कर रहा, क्योंकि मैंने काफ़ी अर्सा खड़ाया हुआ है इसको, मज़ा नहीं कर रहा ये कि थोड़ा रफ चल रहा है, सेटिंग वगैरह करनी पड़ेगी। तो हैरत की बात है, 1 to 5 मेरे पास है और मैं अभी तक 80 से अबम नहीं किया, एक्सीडेंट वगैरह हो गया अल्लाह ना करे, 80 में मज़ा जो था उससे ज़बर मज़ा फिर आएगा मुझे, ये कि काफ़ी अर्सा बैठ पे लेट गया, बाइक के हैंड में मुझे टेढ़ा फील हो रहा है, पता नहीं भाइयों ने कोई चलाया नहीं चलाया, और मैं लॉक करके 4-5 लोग लगाता हूँ, घर जाकर चेक कर। हैंडल टेढ़ा लगने की 2 वजूहत हो सकती हैं, या तो अबू के बाइक का हैंडल टेढ़ा है, उसका हैंडल टेढ़ा है, लेकिन ये क्यों टेढ़ा लग रहा है क्या तो उसकी आदत बनी हुई, क्योंकि मैं ज़्यादा वो चला रहा हूँ आज करते चेक करते हैं, जिसको हम सेंटर में लाते हैं और सेंटर में रखते हैं जी। फिर से एक्यूरेट जा रहा है, नीचे जा रहा है, नीचे जा रहा है, हैंडल तो सीड है बिल्कुल, देखें वीडियो में नज़र आ रहा होगा, तो इंजन पीला पड़ जाता है ना इसकी वजह से, डीजल वगैरह की वजह से, ऑयल की वजह से, ये मैं आपको तरीका बताऊँगा इसका पूरा, शेख टेक स्टूडियो पे इसका तरीका कार आएगा भाई, पीला पड़ गया, हालांकि न्यू बाइक है उस तरफ से, ये देखिए पीला पड़ गया। अरे भाई जान, आज सुफा की तरफ जा रहे हैं दोबारा, डॉक्यूमेंट्स वगैरह कुछ फिल करने, टेस्ट तो पास हो गया, तो डॉक्यूमेंट्स वगैरह कुछ देने हैं, फिल नहीं करने, तो वही देने जा रहा हूँ, जुम्मे का दिन है और तकरीबन बज रहे हैं 10:30, बाइक वगैरह कवर हटाते हैं और एक डॉक्यूमेंट्स वगैरह देखते हैं, किसी मैम को देने, अब देखते हैं किसको देने, क्योंकि अभी ढूंढना पड़ेगा कोई सीन है, अभी तो जाकर ढूंढते हैं जल्दी जल्दी जाते हैं, वापसी ये है कि हल्का फुल्का सोना भी है और ये है कि जुम्मा भी पढ़ना है, बहुत सारे सीन है, जाते हैं भाई। 3-3 पत्थर रखे हुए भाई, बाइक उड़ ना जाए। अंदर जा, गाड़ी चलाने की वजह साइड मिरर की आदत पड़ गई, अच्छी आदत है, काफ़ी एक फ़ायदा होता है इससे,
ठीक है भाई, चलते हैं फिर आपको सुफा में ही मिलते हैं। फिर डॉक्यूमेंट्स वगैरह सबमिट मैंने करवा दिए, और गर्मी बड़ी सख्त है, आज जुमे का दिन है, जुमे के दिन गर्मी बड़ी सख्त होती है। डॉक्यूमेंट्स में क्या किया था भाई, डॉक्यूमेंट्स में इंटर की यानी कि मार्कशीट की कॉपी थी, और ये एडमिट कार्ड था, सेकेंड ईयर का एडमिट कार्ड था, नैट की कॉपी थी, चार्जशीट वगैरह दी थी, और CNIC वगैरह की कॉपी डॉक्यूमेंट दी थी। इसके अलावा कुछ नहीं था भाई, सेकेंड वगैरह देखते हैं अभी क्या सीन होता है, चलते हैं घर की तरफ।